यूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है और रिश्वत लेने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। लेकिन पुलिस है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। मामला यूपी के गोंडा जिले का है, जहां 18 साल पहले वाहन चोरी और लूट के मामले में गवाह बने व्यक्ति को दरोगा ने फर्जी वारंट तलबी के नाम पर जबरन गिरफ्तार करके चौकी में बंद कर दिया और 3,000 रुपए घूस लेने के बाद छोड़ा, जिसके बाद व्यक्ति ने एसपी से मिलके अपनी पूरी व्यथा सुनाई। यह है रामजी पांडे, जिनके ऊपर फर्जी वारंट जारी कर जबरन गिरफ्तार किया गया था। इनकी व्यथा जरा इनकी जुबानी सुन लीजिए। रामजी पांडे मेरा नाम है, मैं मैजापुर में दुकान करता हूँ। वहाँ पर जो है 9 तारीख में चौकी इंचार्ज हल्दर में पहुँचते हैं श्री विनोद कुमार सिंह और कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ में कोई वारंट है। तो हम कहे किस बात का वारंट है, तो वो कहे चौकी चलकर बताएंगे। वहाँ पर हमको ज़बरदस्ती यहाँ दुकान से हमको उठाकर अपने सहयोगियों के साथ में थे ज़बरदस्ती हमको ले गए। वहाँ पर हमने पूछा कि जो है हमको किस ले लाए हैं, वह किसी ने आप जो है साक्ष्य अदालत में था और वो साक्ष्य आपने नहीं दिया है, इसलिए आपका वारंट। तो हमने कहा साक्ष्य तो हमारा पहले बहुत पहले हो चुका है, वारंट आप दिखा दीजिए। वारंट उन्होंने नहीं दिखाया, वहाँ पर हमको ज़बरदस्ती बैठाए रखा और 5,000 रुपये की मांग की। 5,000 रुपये हमारे पास नहीं थे, 3,000 रुपये हमसे जबरन लिया गया। उसके बाद में हमको 10 बजे के करीब में छोड़ा गया और वहाँ से छूटने के बाद हम अदालत आए कि जो है वारंट हमारा यहाँ से कैसे गया है। तो यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तरी डाली तो उसमें हमको बताया गया कि आपके खिलाफ में कोई वारंट हमारे अदालत से नहीं गया है और आपका साक्ष्य और बयान दोनों हो चुका है। वहाँ से आने के बाद हमने एसपी साहब के यहाँ गए, जो है अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने जाँच लिखा जो है सीओ साहब के लिए। वहाँ पर जाँच चल रही है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमको धमकी उस मतलब दरोगा जी चौकी इंचार्ज हमको धमकी दे रहे हैं कि इस पे जो है कंप्लेंट क्यों किया। हल्दर मऊ चौकी थाना कटरा बाजार के अंतर्गत आता है, अपने सहयोगियों के साथ में थे। क्या नाम है दरोगा? श्री विनोद कुमार सिंह। नहीं वारंट हमारा है ही नहीं, अदालत बता रहा है, प्रश्नोत्तरी में बता रहा है और मौखिक भी हमने पूछा तो हमारे खिलाफ कोई वारंट नहीं है। हाँ ये फर्जी वारंट पे ले गए हैं, 3,000 रुपये हमसे लिया गया, वो भी ज़बरदस्ती अपमानित किया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमने गवाह दिया है तो गवाह का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और हमारे साथ जो है उन्होंने बहुत जो है हमारा उत्पीड़न किया है, तो हम इसमें न्याय चाहते हैं। इस आहत रामजी पांडे ने जब एसपी से न्याय की गुहार लगाई, एसपी ने मामले की खानापूर्ति करते हुए जांच सीओ करनैल गंज को सौंप दी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने खाकी की पैरवी करते हुए मामले को गलती का रूप दे दिया। नहीं नहीं ये कोर्ट से इशू हुआ था वारंट और ये वाकादा ऑर्डर बुक हुआ है, ऑर्डर बुक में चढ़ा हुआ है। और ये बात सही है कि वो वादी पक्ष था और उनका पुराना कोई मामला था गवाही के सिलसिले में, वो उपस्थित संभवतः नहीं हो रहे थे। और बाकी जो आरोप हैं उसकी जांच कराई जाएगी कि ये कैसे इशू हुआ और क्यों उसमें तामीला नहीं हुआ, और यदि ये कोर्ट से इशू नहीं है तो फिर ये किस पटल से वहाँ से आ गया, क्योंकि मामला कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें अभी वहाँ पर संबंधित जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होंगे उनसे रिपोर्ट लेके उस पर जांच की जाएगी। अगर पुलिस की काली कार्यशैली यूं ही रही तो शायद ही कोई व्यक्ति किसी चोरी और हत्या के मामले में गवाही देगा। अब देखना होगा कि बेगुनाह रामजी पांडे पे जो उत्पीड़न किया गया है, क्या पुलिस उसे न्याय दिलाती है या फिर फर्जी वारंट के तहत पुलिस आम नागरिकों के सम्मान को छत विछत करते हुए उगाही को अंजाम देती रहेगी। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।